नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज 19 नवंबर 2020 और दिन है गुरुवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। सबसे पहले आपको यह बता दें कि जो आपकी 69,000 की शिक्षक भर्ती है उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। ये भर्ती जिस प्रकार से चल रही थी उसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। 60 और 65% जो कट ऑफ लगाई गई थी सरकार के द्वारा उसी कट ऑफ पर यह भर्ती होगी। लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए भी एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि उन्हें एक मौका और मिलेगा। अभी कुल 51,112 रिक्त पद हैं उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों के लिए। तो अगली भर्ती जो आने वाली है वो निश्चित रूप से 51,000 से अधिक पदों पर रहेगी। और शिक्षकता को भी बता दें कि 15,508 टीजीटी पीजीटी भर्ती का जो विज्ञापन है वो रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द किया गया, यहाँ विज्ञापन कब आएगा, क्या बदलाव होगा, इसके बारे में करेंगे बात। और आपको ये भी बता दें कि लेखपाल के 7,700 पदों पर भर्ती बहुत जल्द होने वाली है। तो सारी बातों पर करेंगे चर्चा। कुछ और भी खबरें हैं, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है 69,000 शिक्षक भर्ती पर। और 69,000 सहायक बेसिक शिक्षक भर्ती में यूपी सरकार को शीर्ष अदालत से बड़ी राहत मिली है। अर्हता अंक में बदलाव पर मुहर लग गई है। शिक्षा मित्रों के तर्क कोर्ट ने खारिज किए हैं और राज्य सरकार ने अगली भर्ती में उन्हें एक और मौका देने का शपथ पत्र भी दिया है। तो सभी चीजें मिला जुलाकर बहुत ही पॉजिटिव हैं। जिस प्रकार से जो मई में लिस्ट जारी हुई थी बिल्कुल उसी लिस्ट पर यह भर्ती आगे बढ़ेगी। और एक बात और आपको मैं दोबारा से बता दूं कि बीएड पूरी तरह से सुरक्षित है और सूची में कोई भी बदलाव नहीं होगा। जो जिला आपको आवंटित था बिल्कुल वही जिला रहेगा। तो जो पुरानी सूची थी उसी के बेस पर ये जो भर्ती होगी वो आगे बढ़ेगी। फिलहाल खबरों में क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को मई में घोषित परिणामों के आधार पर सहायक बेसिक शिक्षकों के बाकी बचे 37,723 पदों पर भर्ती करने की अनुमति दे दी है। 69,000 शिक्षक भर्ती के इस मामले में 31,661 पदों पर तैनाती का काम पहले से ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए बुधवार को कहा कि कट ऑफ 60 से 65 यानी कि 60 जो है वो आरक्षित के लिए और 65 सामान्य के लिए क्रमशः ही रहेगी। इससे यूपी में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 38,000 शिक्षा मित्रों को कट ऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी पर उन्हें एक मौका और मिलेगा। सरकार उनके लिए अलग से भर्ती अभियान चलाएगी, मतलब अगली जो भर्ती होगी उसमें भी उनको एक बार मौका और दिया जाएगा। यूपी सरकार ने 19 सितंबर को 31,661 पदों को एक ही हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाकी बचे हुए पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है। इन पदों पर यूपी सरकार के मौजूदा कट ऑफ 60-65 के आधार पर भर्ती होगी। जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील राकेश मिश्रा के इस शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जिसमें कहा गया था कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा। छात्रों के एक समूह का कहना था कि सरकार का परीक्षा के बाद कट ऑफ निर्धारित करना गलत है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 मार्च को यूपी सरकार के फैसले को सही मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने के अंदर पूरा करने का आदेश दिया था। लेकिन कट ऑफ अंकों को लेकर शिक्षा मित्रों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो ये था पूरा मामला। और अब आपको बता दें कि 69,000 पदों में 31,277 पदों पर भर्ती हो चुकी है। इसमें 28,320 को 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इन्हें स्कूल आवंटन का काम भी पूरा हो चुका है। बाकी बचे जो पद हैं अब उस पर भी भर्ती बहुत जल्दी पूरी की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जल्द जारी करें। तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कहा है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगाई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जल्द ही निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएं। 31,277 पदों पर भर्ती पहले हो चुकी है, बाकी शेष पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। तो बहुत जल्दी इस पर जो भर्ती है वो आगे होने वाली है। और बाकी जो पद हैं 51,112 ये रिकॉर्ड जून 2020 तक का है। हालांकि अगली जब भर्ती आएगी तो इसमें पदों की संख्या कुछ अधिक ही रहेगी। तो प्रसिद्ध प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की कट ऑफ का विवाद फिलहाल समाप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 60-65% कट ऑफ पर ही भर्ती के आदेश दिए हैं। हालांकि शिक्षा मित्रों को अगली शिक्षक भर्ती में एक मौका और मिलेगा।
और सरकार ने इसी मामले में 12 जून को दाखिल इंटरक्यूलेटरी एप्लीकेशन में शीर्ष कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि तत्समय शिक्षकों के 51,112 पद खाली थे। यदि कोड 60-65 पर कटाव पर नियुक्ति की अनुमति देती है तो शिक्षा मित्रों का हित प्रभावित नहीं होगा और इन रिक्त पदों पर उनकी भर्ती कर दी जाएगी। तो ये बातें पूरी हैं, यानी कि अगली शिक्षक भर्ती भी बहुत जल्द होगी, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको सूचित कर चुका था कि जैसे ही 69,000 पूरी होगी अगली शिक्षक भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। और फरवरी में यूपी टीटी भी है, तो जो लोग अभी किसी भी कारण से टेट की परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं तो वो लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर लें और एक शानदार मौका आपको फिर से मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इस फैसले से शिक्षा मित्रों में भी उम्मीद की किरण जगी है। विद्यालयों में 1,37,000 शिक्षा मित्रों में मात्र 15,000 को अब तक नौकरी मिल सकी है और कोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षा मित्रों को बड़ा हर्ष हुआ है और उन्होंने अब अगली शिक्षक भर्ती होगी उसमें पार्टिसिपेट करने को लेकर अपना जो हर्ष है उसको व्यक्त किया है। और दोस्तों, प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मित्रों के पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। 1,37,000 शिक्षा मित्रों में से अभी 1,22,000 की को जो है नौकरी का इंतजार है। ऐसे में सरकार चुनावी वर्ष में शिक्षा मित्रों के लिए सहायक अध्यापक भर्ती में कुछ रियायत देकर नौकरी का रास्ता आसान कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 31,277 सहायक अध्यापक भर्ती में मेरिट की गड़बड़ी को देकर दाखिल सभी मुकदमे अपने आप बेसर हो गए हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने अधिक अंक वालों को चयन प्रक्रिया से बाहर होने और कम मेरिट के अभ्यर्थियों के चयन होने की बात कहकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सरकार ने भी कोर्ट में मेरिट लिस्ट जारी करने में गड़बड़ी स्वीकारी है। तो अब आपको ये बता दें कि यूपी में टीजीटी पीजीटी 2020 के लिए जो भर्ती चल रही थी उसमें आवेदन लिए जा रहे थे, ऑनलाइन आवेदन अब रोक दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि 15,508 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है वो निरस्त कर दिया गया है। लेकिन मैं पहले बता दूं कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो लोग आवेदन कर चुके थे उनको भी दोबारा से आवेदन करना होगा, लेकिन आपकी जो फीस है उसका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों, प्रदेश में लगभग 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के 15,508 पदों पर 29 अक्टूबर को जो शिक्षक भर्ती शुरू हुई थी वो निरस्त कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बुधवार को हुई ऑनलाइन बैठक में निर्णय लिया गया कि भर्ती को विधिक अड़चनों को जो है उसको दूर करते हुए यथाशीघ्र नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो इसमें लूप होल्स थे उसको बंद पहले ही कर दिया गया और ये भर्ती जो है अब कोर्ट में चैलेंज नहीं हो पाएगी। नहीं तो छोटे छोटे लूप होल पर जिस प्रकार से तमाम भर्तियों को जो है कोर्ट में ले जाया जाता है उसको देखते हुए यह निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है। और संजय सिंह के मामले में 28 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए महाधिवक्ता ने 13 नवंबर को अपनी विधिक राय दी थी कि एक ही संवर्ग की एक ही लिखित परीक्षा में तदर्थ शिक्षक और फ्रेश शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अंक देने के दो भिन्न भिन्न मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। इस लिहाज से चयन बोर्ड की ओर से 29 अक्टूबर को जारी विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत है। यदि इस विज्ञापन के अनुसार चयन किया जाता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी, लिहाजा चयन के लिए दो भिन्न पद्धति से अंक प्रविधानित करते हुए जारी विज्ञापन निरस्त किए जाने योग्य है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए नया विज्ञापन जारी करने की आवश्यकता है। विधिक राय पर गहनता से विचार विमर्श के बाद प्रतियोगियों के हितों में तथा टीजीटी जीव विज्ञान विषय को विज्ञापन में सम्मिलित करने संबंधी प्रत्यावेदनों के निस्तारण के लिए 29 अक्टूबर को जारी विज्ञापन निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। अब तक ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को नए विज्ञापन में दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके लिए सॉफ्टवेयर में प्राविधान करने के लिए एनआईसी से अनुरोध किया जाएगा। अध्यक्ष वीरेश कुमार की अध्यक्षता में गूगल हैंगआउट ऐप के माध्यम से बैठक में सदस्य डॉक्टर धीरेन्द्र द्विवेदी, डॉक्टर हरिंद कुमार राय, डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी, डॉक्टर ओम प्रकाश राय और उप सचिव नवल किशोर मौजूद रहे। गौरतलब है कि पिछले तकरीबन 3 सप्ताह में हजारों अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, नया विज्ञापन जारी होने दीजिए, उसके बाद जो भी नई मौली बनेगी उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी रूल्स होंगे वो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रहेंगे, तो आप
बिल्कुल भी परेशान ना हो कि विज्ञापन निरस्त हो गया है, इसको लेकर नया विज्ञापन बहुत जल्दी मुझे लगता है कि 3-4 दिनों में आपके सामने आ जाएगा। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 ये हमारा दूसरा चैनल फ्रेंड्स, अगर इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक दे दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आने वाले समय में दैनिक रोजगार समाचार, सरकारी नौकरी, शिक्षक भर्ती की तैयारी और अन्य जो भी खबरें होंगी वो आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। लेखपाल के 7700 पदों पर भर्ती बहुत जल्द शुरू होने वाली है, तो लेखपाल भर्ती के लिए लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, तो फिलहाल फ्रेंड्स ये एक गुड न्यूज है। और ये जो भर्ती होगी वो UP SSC के माध्यम से होगी। प्रदेश में राजस्व लेखपालों के लगभग 7700 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। लेखपालों की भर्ती के लिए राजस्व परिषद विभिन्न मंडलों से रिक्तियां का जो है उसका ब्यौरा जुटाकर अध्याचन को अंतिम रूप देने में जुटा है, जिसे शीघ्र ही आयोग को भेजा जाएगा। कुछ मंडलों से अभी जो है रिक्तियां नहीं मिल पाई हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आगे राजस्व परिषद ने चयन वर्ष 2017-18 के आधार पर लेखपालों के रिक्त 5000 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा था। लेखपालों की भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UP SSC के लिखित परीक्षा कराने से पहले ही राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा यानी कि EWS का जो रिजर्वेशन होता है अधिनियम 2020 को बीती 31 अगस्त को गजट में अनुसूचित कर दिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रदेश के 4 मंडलों आगरा, सहारनपुर, मेरठ और बरेली के जो मंडलायुक्त हैं लेखपालों के खाली पदों पर भर्ती में रोड़ा बने हुए हैं। राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक द्विवेदी ने मंडलायुक्तों की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। उन्होंने 2 दिन के अंदर संबंधित मंडलायुक्तों से अपने हस्ताक्षर से लेखपालों के खाली पदों पर भर्ती संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। तो ये जो रिक्त पद हैं इनका प्रस्ताव एक बार मिल जाता है तो उसके बाद ये भर्ती बहुत जल्दी आपके सामने लाइव होगी। राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्तों को निर्देश दिया है कि लेखपाल भर्ती के लिए आरक्षण के संबंध में समय समय पर जारी अधिनियमों व नियमों के आधार पर स्वयं परीक्षण करते हुए खाली पदों का ब्यौरा एकत्र कराएंगे। इसके साथ ही DM कानपुर नगर को निर्देश दिया गया है कि कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए उनके द्वारा अभी तक प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है, यह अत्यंत आपत्तिजनक है। तो ये बातें निकलकर आ रही हैं सामने। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो TGT PGT 2016 के चयनित हैं बहुत जगहों पर अभी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है, तो इसको लेकर शासन गंभीर है। जिलों से ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी गई है जो कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जुलाई में पैनल जारी किया था, लेकिन 125 से अधिक शिक्षक आज तक कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके हैं। ये स्थिति तब है जबकि शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण करने की निगरानी सीधे शासन स्तर से हो रही है। अपर निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी मंडली संयुक्त शिक्षा निदेशकों से बुधवार तक यह जानकारी मांगी है कि चयनित शिक्षक किन कारणों से कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके हैं और इसके लिए कौन अधिकारी या कर्मचारी उत्तरदायी है। नियुक्ति पत्र जारी न होने पर चयन बोर्ड को समायोजन के लिए पत्र की भी जानकारी मांगी गई है। तो TGT 2016 से संबंधित ये सारी खबरें हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। TGT PGT की पल-पल की जानकारी के लिए आप हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल TGT PGT 2020 ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर आपको सारी खबरें बहुत ही समय से अपडेट कर दी जाती हैं। तो दोस्तों ये था आज का समाचार और आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आपकी राय अपेक्षित रहेगी। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिया गया जी नमस्कार, जय हिंद।